दुनिया को ज्ञान बांटोगे कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना का पीरियड है, कोविड लग जाएगा, ये है, और खुद ट्रैवल करेंगे तो कैसा चलेगा। और वो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, बट जैसा आप लोगों को पता रहेगा कि हर घर में कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। जैसे मैं बताऊँ, प्रीवियस वीडियो देखी रहेगी तो गुरु गुरु का सीन देखा रहेगा। आज मम्मी की तबीयत ख़राब है, कल रात से ख़राब हो चुकी थी, बट इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मम्मी ने बोला मैंने दवाई ले ली है। जो ऐसे व्हाट्सअप पे स्टेटस वेटस आते रहते हैं उस हिसाब से जो दवाई लेनी चाहिए वो ले ली है, बट सुबह होते होते मम्मी की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। निगलेक्ट मत करो, भले छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है अपनी बॉडी में, बट जाएगी डॉक्टर के पास, तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। और मम्मी का छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई बीमार रहता है तो उसके सामने कैमरा नहीं घुमाना चाहिए। तो खाली हालत बता देता हूँ कि मम्मी की हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। खाली वाली ये रहा अपना जूस, जूस तो पीना पड़ेगा ना भाई। मम्मी को जूस तो दे दिया, बट अपने को भी पीना पड़ेगा क्योंकि भाई सेहत अपनी भी बनानी है, वरना मैं भागम दौड़ी जैसे सबके लिए करता हूँ, अगर मैं खुद वीक हो जाऊँगा तो मैं कैसे भागम दौड़ी कर पाऊँगा। और बोलते ना कि पैसे तो होने चाहिए, बट अपनी बॉडी के हर एक पार्ट भी अच्छे होने चाहिए, जिससे हम लोग बोलते ना अपना रास्ता खुद बनाए, वरना बॉडी वीक हो जाएगी ना तो अपना रास्ता खुद नहीं बना पाओगे। यानी भगवान से ये दुआ करने का, हमेशा सेहत बहुत मतलब बहुत अच्छी देना और अपना रास्ता खुद बनाऊँ इतनी ताकत देना। काफ़ी मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, पहले मैं जूस पी लेता हूँ, बाद में ज्ञान बांटता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ब्लॉगिंग बनेगी नहीं बनेगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मम्मी का मुझे ध्यान देना है। तो डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा तो थोड़ा बहुत ऐसे जैसे बता दूंगा, बट गारंटी नहीं कि ब्लॉगिंग बनाऊँगा कि नहीं बनाऊँगा। बट घर में ये अच्छा है, उर्मी है तो अपना खाने को संभाल लेगी, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अच्छा तेरे को भी रात को नस चढ़ा? तो अब भी सुबह क्या बात है, ऐसे मैं सोई तो उसमें पैर में ऐसे जोर का टक आवाज आया, नस चढ़ गई। वो बॉडी में वीकनेस होती है ना, इसके लिए होता है ऐसा मैंने सुना है, सच है या झूठ हो तो मेरे को भी नहीं पता। बता तो हुई है ना वीकनेस, ऐसे थोड़ी ना बीमार पड़ रहा। इसकी भी थोड़ी तबीयत खराब है, इसको भी डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो लेके जाएगी इसको भी। रेडी, मम्मी और मैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कौन सा वाला पता ना, बोरीवली वाला, वहाँ पे जा रहे हैं। तो फटफट लेके चलता हूँ, तो बीच में मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि जल्दी पहुँचना है। डॉक्टर का टाइमिंग रहता है 12:30-1 बजे तक लास्ट, तो उससे पहले पहुँचना है। मम्मी को मैं डॉक्टर के पास लेके आया हूँ, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से बताता हूँ बाद में। डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, बोला कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, दवाई लो, 2 दिन की दवाई ले ली है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपना घर काफ़ी दूर है तो बार बार आ नहीं सकते, इसलिए मैं 2 दिन की दवाई ले लेता हूँ। तो मम्मी अभी दवाई ले रही है। एंड दूसरा क्या है, ये डॉक्टर के पास जब से मैं आया हूँ ना, सबको इधर ही लेके आता हूँ, गुरु को लेके आया, उर्मी को लेके आया, मम्मी को भी लेके आया। उर्मी को रात को लेके आने का है शाम को, अभी तो उसके क्या है ऑनलाइन क्लासेस है तो आ नहीं सकी, और टेम्परेरी कुछ दवा ली थी, बट रात को आना है, रात को बोले तो शाम को आना है, और उसको वापस इधर कंसल्ट कराना है डॉक्टर के पास। तो जो भी लोग मेरे को बोलते ना कौन सा अच्छा डॉक्टर है, तो यहाँ ही लेके आता हूँ। और ये मम्मी अपनी दवा लेती जा रही है और खांसी खाती जा रही है, ये लो पानी और खा लो। और मम्मी लोग जल्दी समझते भी नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि दवाई ले लो बट उसके साथ तो डोलो मत लेना, तो बोलती अभी दवाई लेने ना बोला है, ये लो दवा दोपहर को खाना खाने के बाद लेने की, अभी कहाँ ले रहे हो? खाना खाया ना मैंने दोपहर को, मगर दोपहर समझ में आता है, अभी सुबह है। हाँ तो मैं बोला खाना खा लिया मैंने, तो अभी कभी खाएंगे पता नहीं, तो अभी नहीं खाने की, ये लो ले ले निकाल निकाल। घर वाले समझते भी नहीं है डॉक्टर को, अच्छा है मैं इतने टाइम से आता हूँ तो डॉक्टर जो भी बोलता है जल्दी समझ जाता हूँ, या कॉल करके पूछ लेता हूँ अरे कैसे था क्या था बता देते। अभी शांति हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से रिलैक्स से घर पे जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल भराना है, टायर में हवा डलवाना है, क्योंकि 1 महीने बाद मैंने गाड़ी निकाली है बाहर। ये मम्मी बड़बड़ करती है, गोली मेरी ला, गोली मेरी ला। तो मिलती है सीधा घर पे, अभी दवा लेना है ना, वो बोला हाँ तो ले लेगी ना अपने यहाँ पे यार, वो बोला इधर मिलेगा 10। तो जस्ट अभी पहुँचा हूँ घर पे, और डॉक्टर साहब ने जैसे एंटीबायोटिक की दवा दी थी, जैसे फीवर रहता है, बॉडी पेन होता है, सूजन कहीं पे रहता है, स्वेलिंग एंड ऑल, तो उसकी मैं दवा लेके आया, मम्मी को दे दी। और मैं दवा मालूम है ना कहाँ से लेता हूँ, जेनरिक मेडिकल से, क्योंकि अपने को सस्ती में पड़ती है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो यार मैं सबको रिकमेंड करता हूँ जेनरिक मेडिकल में ही जाके दवाई लो, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि मैं तो मेरे पैसे बचा रहा हूँ।
क्योंकि पैसे कमाना तो बहुत ज़रूरी है, बट जो पैसे आपने कमाए उसको बचाना भी तो ज़रूरी है। तो मेरे वीडियोस में ना मैं तो मेरे व्लॉग में ना मैं ऐसे छोटे मोटे मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और पैसे बचाने से लेके इन्वेस्टमेंट के जैसे या किसी ने धोखाधड़ी किया रहता है सब मैं बताते रहता हूँ। लोगों को पसंद आता है क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ तो पता चलता है कि उनको पसंद आता है, इसलिए मैं व्लॉग में बताते रहूँगा, तो व्लॉग में जुड़े रहना। और दूसरी चीज़, अब भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई तो ये देखो क्या बनाया था। कल के व्लॉग में देख लेना क्यों बिजी था, क्या था सब कुछ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में स्टोरी बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं था। जो मेरा काम था वो पहले काम था, अभी फ्री हुआ तो मैंने स्टोरी बनाई। तो जैसे आपने इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, ऐसी सब स्टोरी है ना मैं इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ, तो कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता तो वहाँ पे फॉलो करो, क्योंकि मेरे जो करंट अपडेट रहती है वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। वीडियो को लाइक करो नहीं करो, शेयर करो नहीं करो, कोई बात नहीं, बट इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही सकते हो, तो फॉलो करना जरूर। और अभी मैं घर पे जाता हूँ और खाना पीना खाता हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टेंशन था कि यार मम्मी को क्या हो गया, क्योंकि मम्मी है ना घर का पिल्लर है, अगर उनको कुछ हो गया ना तो घर पूरा हिल जाता है। तो पहले उनकी तबीयत ठीक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसके लिए व्लॉग में देख लिया कि क्या किया। तो व्लॉग में आपने देखा ही कि डॉक्टर के पास गए ना, जो भी करना था मैंने सब मेरी तरफ से किया है। अभी थोड़ा उनको रेस्ट देना है, दवाई टाइम टू टाइम देनी है, और 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि रिकवर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में भी देखना कि मम्मी की तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई। आज शाम को वापस जाना है डॉक्टर के पास उर्मी को लेने है। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू चलने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। मम्मी जी तबीयत अभी थोड़ी सी बेटर हो रही है क्योंकि सेकेंड डोज भी याद था, उसके बाद ही मैं वॉक करने निकला हूँ। जैसे आप लोगों को पता रहेगा लॉकडाउन हो या कुछ भी, अपने को वॉक करने को तो चाहिए, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा बोलते ना लाइट वेट चाहिए। एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है ना, एक्सरसाइज करने से ना बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। बिल्कुल प्रोटीन पी रहा हूँ बट बॉडी को और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं हो पा रहे, तो मैं एक्सरसाइज बंद कर दिया, सिर्फ वॉक करता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता रहेगा लास्ट लॉकडाउन में भी कितना वॉक किया था, ये लॉकडाउन में भी वही कर रहा हूँ, 1 घंटा रूटीन वॉकिंग करते ही रहता हूँ। तो बस वॉक कर रहा हूँ और फिर घर पे जाऊँगा, और बाद में जो अपना खाना पीना है वही रूटीन है, और बाकी अपने को टाइम पास थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ बताऊँ, उर्मी को लेके गया था मैं अपने क्या बोलते डॉक्टर के पास, मोटो ब्लॉक किया था, बट वो फुटेज पता नहीं रिकॉर्ड हुई या डिलीट हो गई, पता नहीं, वो मिल ही नहीं रही है। तो ये वीडियो ना थोड़ी शॉर्ट बन जाएगी। वॉक करके आया, फिर प्रोटीन पी लिया, प्रोटीन पीने के बाद अभी उपमा खा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बस कल तो जैसे मैं घर पे आया, जैसे प्रोटीन पिया, डिनर किया, और देन फिर अपना टाइम पास चल रहा था सोशल मीडिया पे, लोगों को रिप्लाई कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे सुबह से लेके रात तक ना क्वेश्चन आंसर होते हैं Q&A जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, तो बस वही सबके सवालों के जवाब दे रहा था। रात होते सो गया, सुबह उठा हूँ, जूस अपना पी रहा हूँ। मम्मी की तबीयत थोड़ी अभी भी ख़राब है, ठीक नहीं हुई है। उर्मी की भी तबीयत ख़राब है, जैसे मैंने बताया उसके वीडियोस बनाए थे बट डिलीट हो गए थे, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट उसको हुआ क्या था, बट अभी सुबह उठा हूँ तो बोल रही है कि यहाँ पे जलन हो रहा है, यहाँ पे मतलब एसिडिटी का प्रॉब्लम है। पहले तो ये मुझे हंसी आ रही है कि इतनी छोटी उम्र में क्या क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, फिर क्या हो रहा है, बॉडी वीक लग रही है, और जैसे अभी सुबह पता चल रहा है कि उसको एसिडिटी हो रहा है, समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, घर में एक एक ऐसे बीमार होते ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है कि एक को संभाले या दूसरे को संभाले या तीसरे को संभाले, और वायरल लग गया तो तीसरा भी बीमार गिर जाएगा, तो ये सिचुएशन रहती है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल व्लॉग बन रहा है, और दूसरी चीज़ लॉकडाउन चल रहा है, तो लाइफस्टाइल व्लॉग में आपको यही दिखने मिलने वाला है। एज अ यूट्यूबर मैं बता रहा हूँ, मेरा अकेले का वो व्लॉग ऐसा नहीं आता, जितने भी यूट्यूबर है घर पर ही है और घर पर ही वो लोग के लाइफस्टाइल व्लॉग बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर जाके ट्रैवल व्लॉग करे, और अगर कोई ट्रैवल व्लॉग कर रहा है तो वो लोग की गलती है, क्योंकि लोगों को सजेशन दे रहे हैं घर पे रहो और खुद ट्रैवल करेंगे तो कैसा चलेगा, गलत बात है ना, है कि नहीं, आई एम राइट और रॉन्ग, कमेंट में ज़रूर लिखना। दुनिया को ज्ञान बांटोगे कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना का पीरियड है, कोविड लग जाएगा, ये है, और खुद ट्रैवल करेंगे तो कैसा चलेगा, और वो दिखा भी रहे तो गलत है, और वो लोग को जो मोटिवेशन कर रहे हैं वो भी गलत है। जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों को बताया, भाई मेरा लाइफस्टाइल व्लॉग बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और घर पर ऐसी सिचुएशन रहती है, मैं बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता, जो बाइक लेके बाहर जाता हूँ तो मोटो व्लॉग बन जाता है, बाकी तो नहीं बन सकता। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नहीं अच्छी लगे तो भी डिसलाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि लाइफस्टाइल व्लॉग अगर हम लोग बना रहे तो क्या आप लोगों को दिखाए तो आप लोगों को अच्छा लगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड एंड बी सेफ।